तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त द डैश, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डैश टू एक्सप्लोर। किसी ने क्या खूब कहा है, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। मैं अकेले ही घूमकर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, पर आपने मेरे वीडियोस को काफिला होकर देखना है। तो चलिए, आज मैं आया हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद के सफ़र की शुरुआत करते हैं NTR गार्डन से। NTR गार्डन के बाद जाएंगे हुसैन सागर लेक, हुसैन सागर लेक से बोटिंग करते हुए जाएंगे बुद्धा स्टैचू की तरफ। तो चलिए, बने रहिए वीडियो के साथ, आपको दिखाता हूँ हैदराबाद की नई नई जगह। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं NT रामाराव साहब के समाधि स्थल पर। यह है इसका एंट्री गेट। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। अंदर जाते वक्त हमें पैरों से जूते निकालने पड़ते हैं। जी हाँ, इस समाधि स्थल के अंदर जाते वक्त हमारे पैरों से जूते हमें निकाल कर अंदर जाना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ घूमिए ये समाधि स्थल और यहाँ पर बनाई हुई एक छोटी सी गार्डन को। तो आइए मेरे साथ। इस समाधि स्थल के गार्डन में हम जब घूमते हैं तो हमें कहीं पर भी धूल मिट्टी या कोई गंदगी नहीं मिलती। तो हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी इस समाधि स्थल पर जब भी आए तो कोई गंदगी ना करें और इस साफ सुथरी गार्डन का भरपूर मजा लें। अभी हम हैं हुसैन सागर के लुम्बिनी पार्क में। ये पार्क और यहाँ पर एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप बोटिंग के लिए जा सकते हो। तो चलिए बोटिंग का आनंद लेते हैं और चलते हैं बुद्ध स्तूपा के यहाँ। तो चलिए चलते हैं बोट से बुद्ध स्टैचू की तरफ। ये देखिए, तो कोरोना के बाद हुसैन सागर लेक के अंदर बोटिंग करते हुए कैमरा अगर लेकर जाना है तो कैमरा के चार्जेस 1000 रुपये कर दिए हैं। तो 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, हमने सोचा क्यों ना मोबाइल से व्लॉगिंग किया जाए। तो हुसैन सागर लेक और बुद्ध स्टैचू तक का व्लॉगिंग अभी हम मोबाइल से करेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखिए हुसैन सागर लेक और बुद्ध स्टैचू। दोस्तों, ये है हैदराबाद की पहचान, हुसैन सागर झील। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये झील प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। कुतुब शाह के जमाई हुसैन ने इसे बनवाया था, इसलिए इसका नाम उसके नाम से ही प्रसिद्ध हो चुका है। लाइफ जैकेट, ये दोनों पहन कर ही आपको बोटिंग का आनंद लेना पड़ेगा और बुद्ध स्टैचू की तरफ जाना होगा।
तो ये देखिए बहुत बड़ी विशालकाय भगवान बुद्ध की मूर्ति। यहाँ पर बुद्ध वंदना को अलग अलग भाषा में अंकित किया है, आप देख सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। दोस्तों, हैदराबाद का BSNL का ऑफिस और उसके बाजू में ये है हैदराबाद का बिरला मंदिर। और ये यहाँ के पार्क का नज़ारा बहुत ही मस्त लग रहा है। शांत वातावरण, झील से बहने वाली ठंडी ठंडी हवा, ये मौसम दिल को बड़ा प्रसन्न करता है। तो चलिए, वक्त हो गया है निकलने का, अब यहाँ से निकलते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। फाउंटेन के पानी को गिरते हुए उसके पीछे से देखिए, एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ से ये फाउंटेन का पानी ऊपर से गिरता है और पीछे आपको पास होने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। तो देखिए, बच्चे बड़े इस पानी में आनंद लेते हुए, और इस कलर की वजह से ये गिरता हुआ पानी बड़ा ही मस्त दिखता है। तो लुम्बिनी पार्क में इसका भी एक अलग सा आनंद आपके बच्चे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं NTR गार्डन के मेन गेट पर, तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं और टिकट निकालकर अंदर के नज़ारे को अपनी आंखों में भरते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हो तो मानो यहाँ की हरियाली आपका ही स्वागत करने के लिए खड़ी हो। यहाँ बच्चे और बड़ों के मनोरंजन का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जो टॉय ट्रेन है उसका आनंद भी आप उठा सकते हो। ये टॉय ट्रेन पूरे गार्डन को चक्कर लगाती है, तो देखिए ये टॉय ट्रेन कैसी है और इसका आनंद भी लीजिए। यहाँ के रंग बिरंगी फाउंटेन और ये हरी भरी गार्डन आपका मन मोह लेगी, इसमें कोई शक नहीं। इन रंग बदलते फाउंटेन को मानो देखते ही रहने का मन होता है, पर अपने मन को यहाँ पर काबू में लेते हैं और बाहर जाने का रुख करते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और डैश टू एक्सप्लोर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए अब यही रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।